नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम मैथ्स की क्लास करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिंपलीफिकेशन की पहले दो टाइप पढ़ी थी दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पहले दो टाइप को समझ लीजिए, उसके बाद आपको तीसरा और फोर्थ टाइप जो आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज हम करेंगे सिंपलीफिकेशन का टाइप थ्री और टाइप फोर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप थ्री। टाइप थ्री में क्या कहता है दोस्तों, जब कोई भी हमें सीरीज दी होती है जिसमें वन अपॉन ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर दिया होता है जो एक्स बाय वाई की फॉर्म में होती है, और हमसे पूछता है या तो ए प्लस बी प्लस सी निकालो या ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू निकालो। ए की अलग से वैल्यू पूछ सकता है, बी की अलग से, सी की अलग से, या कुछ भी कर सकता है। मतलब हमें ऑपरेशन क्या करना होता है टाइप थर्ड में, हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है फ्रेंड्स। तो चलिए हम किसी एग्जाम्पल को देखते हैं और उससे उसकी ट्रिक्स समझ लेते हैं उसको कैसे निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, और ये हमें इक्वल टू दिया हुआ है फ्रेंड्स 9/26, 9/26 हमें दिया हुआ है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा हमारा, तो इसके लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी निकालना होगा। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तो रखना आपको एज इट इज़। बी प्लस वन बाय सी ये हो जाएगा एज इट इज़। इसमें आपको करना है इस 9 को डिनोमिनेटर में लेके जाना 26 के, तो ये हो जाएगा 26/9। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें जो हमारा 10th का एक बेसिक सा रूल होता है HCF कंसेप्ट जिसका हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ हमें करना है। अब हमें 26 को किससे डिवाइड करना है, 9 से, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 26 को अब हमें 9 से डिवाइड करना है, तो ये कितने हो जाएगा, 9 × 2 = 18, और 26 में से 18 जाएंगे तो 8 बचेंगे फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, फिर से 9 को यहाँ पर लिखेंगे, तो 9 को यहाँ पर लिखा तो 8 × 1 = 8, 9 में से 8 गया 1, और फिर से किसको लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, तो 1 × 8 = 8। मतलब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये जो मैं करा रहा हूँ आपको ट्रिक है, ठीक है, इसमें आपको ऐसे करना है। सबसे पहले तो 9/26 को मैंने कैसे लिख दिया, 26/9, मतलब 9 को मैं 26 के भी अपॉन में ले गया, फिर 26 को 9 से डिवाइड किया तो मेरा ये आ गया। यहाँ पर दोस्तों ये जो वैल्यू आई है 2, 1 और 8, ये मेरी 2 जो है ए की वैल्यू है, 1 है बी की वैल्यू, और ये 8 जो है सी की वैल्यू फ्रेंड्स। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए हो जाएगा मेरा 2 और बी हो जाएगा 1 और सी कितना मेरा 8, तो 8 × 2 = 10 और 1 = 11, 11 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से करना दोस्तों आपको, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें कुछ ऐसी फॉर्म हो और इसमें आप पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछे, इसमें अगर हमसे ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू पूछता तो क्या जाती फ्रेंड्स, ये हो जाती 2 × 1 × 8, सो 8 × 2 = 16, तब हमारा आंसर क्या जाता फ्रेंड्स, 16। दोस्तों इस प्रकार से करनी है आपको, जब भी सिंपलीफिकेशन में आपको इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन देखने में मिलते तो आपको इस ट्रिक का यूज़ करना है। आपको सिंपली इसको अपॉन में लेकर आना है, फिर इसको डिवाइड कर देना, और 10 सेकंड्स के अंदर आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप फोर को। टाइप फोर क्या कहती है, ब्रेकिंग ऑफ मिक्सड फ्रैक्शन। मतलब ये जो मिक्सड फ्रैक्शन हमें दी हुई है, ये जो होती है इसे मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, और तब हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बहुत इजी से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, फिर एलसीएम वगैरह लें तो थोड़ा लेंथी पड़ता है, और कंपटीशन में हमें कम से कम टाइम लगाना होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन पर, तो हमें इस ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब टाइप फोर को भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइप फोर में मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइप फोर। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने दो टाइप की वीडियोस अपलोड करी हुई मेरे चैनल पर, जिसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप चैनल पर जाकर उसको विजिट जरूर कीजिएगा एक बार। अब टाइप फोर्थ को पढ़ रहे हैं हम, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ मान लीजिए 1/5 प्लस, ये मिक्सड फ्रैक्शन है 99 = 44/45, मल्टीप्लीकेशन में है 9। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो जब भी हमको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है तो थोड़ा लेंथी ज़रूर होता है फ्रेंड्स, लेकिन अब अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे, ये जो हमारी मिक्सड फ्रैक्शन है, अगर हम इसको ब्रेक करना हम जानते हैं तो इसको हम ईजिली कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन में अब की बार है 99 = 44/45, ये हमारी मिक्सड फ्रैक्शन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 99 + 44
बटे 45। जब इस कैल्शियम लोगे तो 45 LCM 99 इंटू में 44, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो 1/5 को एज इट इज़ रखेंगे, इसको लिख दिया 99 + 44/45। ठीक है दोस्तों, इसके साथ गुणा में है 9, ये पूरा रहेगा एज इट इज़, ये प्लस में थोड़ा, ये 1/5, 1/5। अब देखिए 99 की 9 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस में 99 गुणा में 9 प्लस 44/45 के 9 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा 5 पर, ये 5 पर कटा तो 44/5, 44/5 ये आ गया मेरे पास। अब देखिए इनका जो ये नीचे वाला सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 5 LCM हो जाएगा 44 और 5, 44/5, 44 + 1 45 बटे 5 प्लस 99 के 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, निम्न निम्न 81 का 1 ऐसी लगी 8, निम्न निम्न 81 और 1 82, तो ये ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये 5 आएगा सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मेरा, ये फ्रेंड्स मेरा 891 हो जाएगा। 99 की जब 99 की 9 से गुणा करेंगे तो 891 होगा। अब 45/5 इसको क्या लिख सकते हैं, 9, और 9 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा 891, 9 + 891 क्या हो गया मेरा सिंपली 900, जो है मेरा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी इसको हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया, अगर तोड़ के लिखेंगे तो ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको। ये टाइप 4 थी फ्रेंड्स जो हमने इस वीडियो में पढ़ी, इस वीडियो में हमने टाइप 3 को देख लिया, टाइप 4 को देख लिया, दोबारा रिकॉल करते हैं एक बार। टाइप 3 में हमने कुछ नहीं किया, 1/a + b + 1/c अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना होता है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आ गया इसको 26 को 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पर HCF कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी फ्रेंड्स। टाइप 4 में क्या किया था, ब्रेकिंग ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, इसको हमने ब्रेक कर दिया, मतलब इसको एडिशन में ऐसे लिख दिया हमने, इसको एडिशन में लिखने के बाद हमें ये इजीली सोल्व हो गया और इससे हमारा जो क्वेश्चन है आसानी से सोल्व हो गया दोस्तों। ये थी सिंप्लीफिकेशन की टाइप 4, टाइप 3 और टाइप 4। अगले वीडियो में टाइप 5 और टाइप 6 की बात करेंगे फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको लाइक आया होगा, तो ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।